हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोग को टीचिंग करवा रहे हैं अभी लॉकडाउन में। तो आज क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स का लेक्चर वन है। तो स्टार्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें पूरा सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो एक बार आप जान लें कि हमें नाइन्थ के पूरा मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो आपका कोर्सेस स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगी ये कोर्सेस ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें फर्स्ट जो यूनिट पढ़ना है वो नंबर सिस्टम, दैट इज़ ऑफ 8 मार्क्स। सेकेंड इज एलजेब्रा, दैट इज ऑफ 17 मार्क्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 मार्क्स। नेक्स्ट ज्योमेट्री, दैट इज ऑफ 28 मार्क्स। ये आपका पूरा जो मैथमेटिक्स का आपका सिलेबस है क्लास नाइन्थ में, सबसे बिगेस्ट जो आपका यूनिट है वो ज्योमेट्री है, जो कि आपका क्लास 28 मार्क्स का है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेंसुरेशन और देन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये आपका टोटल 18 का। ये इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होंगे और उसके बाद जो 20 मार्क्स रेस्ट बच जाएंगे उसमें आपका इंटरनल असेसमेंट होता है। उसमें आपको पेन एंड पेपर टेस्ट, पोर्टफोलियो और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो है वो 5 मार्क्स को होते हैं। पोर्टफोलियो आपका 5 मार्क्स को होंगे और 10 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्जामिनेशन जो पेन एंड पेपर या ओरल माध्यम से हो सकते हैं। तो आपका 80 प्लस 20, दैट इज ऑफ 100 मार्क्स का जो है आपका टोटल एग्जामिनेशन होना है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सारा चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर सिस्टम आपका फर्स्ट यूनिट है, इसलिए हम लोग इस मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम से ही स्टार्ट करेंगे। और नंबर सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है वो आपका यहाँ पे लिख दिया है मैंने, आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा एक, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। और हम सबसे पहले कुछ नंबर्स के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं, लेकिन एक बार फिर से हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं कुछ नंबर्स का और उससे रिलेटेड जो भी आगे हमें पढ़ना है उसको पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो हम जानते हैं दैट इज़ होता है वो नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में प्राकृत संख्या भी कहते हैं या काउंटिंग नंबर से भी हम लोग जानते हैं। अगर कोई भी चीज़ का स्टार्ट करना हो जनरली, चाहे कोई भी हम आइटम्स लें, चाहे कोई भी बुक्स हो, ग्रॉसरीज हो, कुछ भी हो, तो वन से ही स्टार्ट किया जाता है। तो ये आपका नंबर सिस्टम में फर्स्ट होता है नेचुरल नंबर सिस्टम। इसकी वैल्यू आपका वन से लेकर के इनफाइनाइट तक जाता है। ये इनफाइनाइट इसलिए होता है कि कोई भी लास्ट नहीं है नंबर, ठीक है। और इसको हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको इस टाइप से डिनोट किया जाता है। इसका रिप्रेजेंटेशन किस नंबर से होता है ये आप ध्यान रखेंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपका नेचुरल नंबर से आपका वन टू लेकर इनफाइनाइट तक होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। अब नेचुरल नंबर में अगर इंक्लूड कर दें हम जीरो को तो वो हमारा बन जाता है होल नंबर, जिसको हम लोग W से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 0 एंड देन इंक्लूडिंग ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे 0 अगर नेचुरल नंबर के साथ हम 0 को ऐड कर दें तो ये मेरा बन जाता है होल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट जो नंबर्स होते हैं हमारा, इसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर्स होती है वो होता है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होता है इसको हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जो भी नंबर्स की बात की, चाहे नेचुरल नंबर हो चाहे होल नंबर हो, नेचुरल नंबर में हम लोगों ने वन से लेकर के इनफाइनाइट तक बात की। इसका लास्ट कोई भी जो अब ग्रेटेस्ट नंबर है इसका कोई भी पता नहीं है, क्योंकि जितना भी नंबर्स है उसमें अगर हम वन ऐड करते जाएँ तो नंबर्स मेरा बढ़ता चला जाएगा। लिस्ट नंबर जो है वो वन होता है, होल नंबर जो है वो आपका नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो को इंक्लूड कर दें तो होल नंबर बनता है। दोनों नंबर्स जो है वो हमने पॉजिटिव देखा है, कोई भी नेगेटिव नंबर्स नहीं देखा है। लेकिन हम अगर देखते हैं कि कोई एक ऋण का भी भाव होता है या नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, तो अगर नेचुरल नंबर्स जो कि आपका वन से लेकर के इनफाइनाइट तक होता है, इसमें अगर हम नेगेटिव नेचुरल नंबर्स का ऐड कर दें और इस जीरो जो कि आपका इसमें मैंने ऐड किया था इसको भी अगर ऐड कर दें तो ये आपका बन जाता है इंटीजर्स, और इसको कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कैपिटल जेड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग होल नंबर्स, ओके। तो ये मेरा बन गया इंटीजर्स, ठीक है।
इस यहाँ पे इंटीजर्स को अगर एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। नंबर्स लाइन क्या होता है, एक लाइन होती है जहाँ पे कोई भी, जैसे एक लाइन हो गया, यहाँ पे अगर हम नंबर्स को इस लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो वो होता है हमारा इंटीजर्स। इस लाइन में किसी भी पॉइंट पे आप एक पॉइंट लेंगे और इस पॉइंट को आप जीरो मार्क करेंगे, ठीक है, और इस जीरो के राइट हैंड साइड में, ये मेरा राइट हैंड साइड है, जीरो के राइट हैंड साइड जो है वो पॉजिटिव नंबर्स को डिनोट किया जाता है और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स को डिनोट किया जाता है। ये आप ऑलवेज ध्यान रखेंगे कि ये जो मेरा नंबर लाइन है इसके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब एक चीज़ है कि क्या हम नंबर्स, जो इंटीजर्स है, इसको नंबर्स लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इस नंबर्स को किस प्रकार दर्शाएंगे, ये ध्यान देने की बात है। तो अगर हम कोई भी लाइन लेंगे और इसके किसी भी पॉइंट पर, क्योंकि लाइंस जो है उसकी लेंथ इनफाइनाइट होती है, लाइन सेगमेंट है उसकी लाइन लेंथ जो है वो फिक्स होती है, लाइन का लेंथ जो है वो इनफाइनाइट होता है, कोई भी उसका नंबर्स नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस पे राइट हैंड साइड पे कोई भी एक फिक्स यूनिट लेंगे, ठीक है, और उस फिक्स यूनिट को हम वन यूनिट का नेम देंगे और इसी फिक्स यूनिट के आधार पे नेक्स्ट जो है वो भी पॉइंट लेंगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट लेंगे। यानी अगर इसको मैंने जीरो नाम दिया और जो फर्स्ट पॉइंट है इसको अगर हम ए नाम दे देते हैं तो ओ और ए के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसी फिक्स यूनिट के आधार पे प्रत्येक अगला पॉइंट हम मार्क करेंगे नंबर्स लाइन पे। और इसको जैसे मैंने नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी, तो ए से बी का डिस्टेंस जो है ओ ए के बीच का जितना डिस्टेंस होगा वही ए और बी के बीच का भी डिस्टेंस होगा, वही बी और सी के बीच डिस्टेंस होगा, और इसी प्रकार हम लोग इसको इनफाइनाइट तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार हम जिस तरह से हमने राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट किया उसी प्रकार और उसी फिक्स लेंथ के आधार पे अगर लेफ्ट हैंड साइड में भी, यहाँ पे हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट अभी कर रहे हैं, इसको आप किसी भी चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ओ और या ए डैश हम कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने ए डैश लिया, यहाँ पे बी डैश लिया, यहाँ पे सी डैश लिया, तो ओ और ए डैश का बीच जो है ये माइनस वन होगा, ओ बी डैश के बीच में माइनस टू होगा, ओ सी डैश के बीच में माइनस थ्री, माइनस फोर और सो वन। और यहाँ पे ही ओ ए के बीच का वन यूनिट, ओ बी टू यूनिट, ओ सी थ्री यूनिट एंड सो वन। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अगर इंटीजर्स है इसको नंबर्स लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर्स होती है वो होता है रैशनल नंबर्स। ये रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। हम लोगों ने फ्रैक्शन पढ़ा है पिछले क्लासेस में कि कोई भी नंबर्स को अगर जैसे वन कोई सेम है इसको चार पार्ट में अगर डिवाइड करना है, ठीक है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस प्रकार से हम अगर शैडो डाल देते हैं तो हम इस शैडो का अगर पार्ट्स लिखना है तो ये पार्ट जो है दैट इज होता है 1/4, चूँकि फोर पार्ट का वन भाग जो है ये 1/4 कहलाता है। तो इसी प्रकार हम रैशनल नंबर्स जो है एनी नंबर्स दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये क्यू जो है यानी कोई भी नंबर्स को अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म में लिखा जाए, न्यूमरेटर क्या होता है, ये ऊपर का जो टर्म न्यूमरेटर, नीचे का टर्म डिनोमिनेटर कहलाता है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म में अगर कोई भी नंबर लिखें जहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी पी बाई क्यू के रूप में लिखें और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा रैशनल नंबर कहलाता है और इसको हम लोग कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कोशियंट, QUOTIENT कोशियंट, ठीक है। तो ये हमारा रैशनल नंबर्स हो गया। जैसे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं 1/5, अब देखिए यहाँ पर ये -1/7, ठीक है, -3/8, 4/5, ओके। रैशनल नंबर्स जो है इसमें एक पार्ट्स हो गया आपका फ्रैक्शन, ठीक है, और दूसरा पार्ट जो होता है वो रैशनल नंबर्स होता है,
फ्रैक्शन और रैशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देंगे कि देखिए अगर हम फ्रैक्शन और रैशनल नंबर्स दोनों हमें दिखने में सेम ही लगता है, जैसे यहाँ पे हमने 1/5 लिया और यहाँ पे हमने -1/7 लिया, ठीक है, तो 1/5 और -1/7 दोनों तो ठीक ही है, दोनों PYQ की फॉर्म में ही लिखा हुआ है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है वो एक बार ध्यान देंगे कि देखिए जो फ्रैक्शन होते हैं, अगर ये हमने फ्रैक्शन लिखा तो यहाँ पे ये आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी P एंड Q ये जो है ये भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, और Q जो है ये भी आपका पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए तभी हमारा ये फ्रैक्शन बनेगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक पॉजिटिव या नेगेटिव, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं उसमें आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में दोनों जो है वो हमारा सिर्फ पॉजिटिव ही होगा, तो ये जरूर ध्यान रखने की बात है। जीरो जो है वो हमारा ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, जीरो जो है वो दिस इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ओके, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ओके, तो आई होप आप इतना समझ चुके होंगे। इसको अगर आप एक फिगर के रूप में दर्शाना चाहें तो सपोज नेचुरल नंबर्स को, जैसे अभी मैंने बताया कि एक आप डायग्राम में नेचुरल नंबर्स को एक सर्किल में n लिखते हैं, ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स हो गया, होल नंबर्स जो है दैट वो आपका नेचुरल नंबर से बिगर होता है, चूँकि होल नंबर्स जो है वो इंक्लूडिंग जीरो होता है तो होल नंबर्स को कैपिटल W लिखेंगे, ठीक है, इंटीजर्स लिखेंगे तो इंटीजर्स जो है वो आपका हम लिख सकते हैं Z, और अगर रैशनल नंबर्स को लिखेंगे तो वो हम लिखेंगे Q, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स जो है वो सबसे अंदर में है, इस फिगर के सबसे नीचे है, तो नेचुरल नंबर्स जो है वो किसी भी नंबर्स का पार्ट हो सकता है, यानी हमारा वो रैशनल नंबर्स का भी पार्ट हो सकता है, इंटीजर्स का भी पार्ट हो सकता है, होल नंबर का भी पार्ट हो सकता है, लेकिन नेचुरल नंबर किसी भी अदर नंबर्स का पार्ट नहीं हो सकता है, ठीक है, तो ये ध्यान देने की बात है। इस फिगर को एक बार ध्यान देंगे तो सारे समझ में आएंगे कि कौन सा नंबर जो है वो किसका पार्ट हो सकता है, यानी अगर होल नंबर और इंटीजर्स में बात करें तो होल नंबर जो है वो इंटीजर्स का पार्ट तो हो सकता है, लेकिन इंटीजर्स होल नंबर का पार्ट नहीं हो सकता है, ठीक है, तो ये है। उसके बाद जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रैशनल नंबर्स जो हैं, ठीक है, वो आपका इंटीजर्स जो है ना वो रैशनल नंबर्स का पार्ट है, तो इंटीजर्स कोई भी हो वो हमारा रैशनल नंबर्स हो सकता है। आपका जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसे -1 हमने लिखा तो क्या ये रैशनल नंबर हो सकता है? एब्सोल्युटली हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसको -1/1 के रूप में लिख सकते हैं, 0 हो सकता है, ज़रूर हो सकता है, चीज़ को 0 को 1/0/1 के रूप में लिख सकते हैं, तो ये पूरा कंप्लीट है। इसको आप देखते हैं, इसको आप नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट स्क्रीन में हम लोग इससे आगे की चर्चा करेंगे। ओके, हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में, अब हम लोग फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। अगर हमें दो नंबर्स दिया हुआ है और उसके बीच में अगर रैशनल नंबर्स फाइंड करना है तो उसको हम क्या करेंगे? इसको हम अभी मैंने स्क्रीन पे क्वेश्चंस कुछ लिखा है, इसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, फाइंड वन रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/5 एंड 3/7। अगर दो नंबर्स है इसके बीच में अगर एक कोई रैशनल नंबर्स फाइंड करना है, इसका प्रोसेस क्या होता है? सम ऑफ दीज टू नंबर्स एंड बाय टू, यानी इसका अगर हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, दैट इज फर्स्ट रैशनल नंबर्स प्लस सेकेंड रैशनल नंबर्स बाय टू, ठीक है, इसको हम अगर LCM लेंगे तो 35 होगा, 7 + 15/2, यानी हमारा ये हो जाएगा 22/35 × 2, दैट इज 22/70, ये दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो अगर हमें एक कोई रैशनल नंबर निकालना दो गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में तो उसका प्रोसेस ये होता है, ठीक है, जो हमने देखा। नेक्स्ट, फाइंड थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन
1/7 एंड 5/7, अगर दो रैशनल तीन रैशनल नंबर्स निकालना है जो कि हमें नंबर दिया हुआ है, दैट्स 1/7 और 5/7। यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि 1/7 और 5/7 दोनों का बेस यानी डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। अगर ये एक केसेस हो तो यहाँ पे जो हमारा न्यूमरेटर होता है उससे बढ़ते हुए क्रम में नंबर्स को लिख सकते हैं, दैट इज 1/7 और 5/7 के बीच में हमारा 2/7 होगा, 3/7 होगा और 4/7 होगा, ठीक है। तो ये इस टाइप में हम लिख सकते हैं। तो दिस इज द सेकेंड केस जब इस टाइप का क्वेश्चन हो, यानी अगर बेस सेम हो और न्यूमरेटर डिफरेंट हो तो हम उसको न्यूमरेटर को बढ़ते हुए हम उसके रूप में लिखते हैं ताकि हमारा रैशनल नंबर्स जो है वो फाइंड हो जाए। ओके, नेक्स्ट है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/7 एंड 3/7। अगर इस टाइप का कोई केस हो तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 2/7 और 3/7, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 2/7 और 3/7 दोनों का बेस तो सेम है लेकिन न्यूमरेटर जो है वो सिर्फ एक के डिफरेंस पे है। तो यहाँ पे हम एक के डिफरेंस है तो इस प्रोसेस का यूज करके हम यहाँ पे रैशनल नंबर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको अगर हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालना है तो दोनों रैशनल नंबर्स को, यानी यहाँ पे इसको अगर हम n मानते हैं तो n प्लस 1 से दोनों रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के नाम से भी जानते हैं। तो हम 2/7 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालने के लिए n प्लस 1, यानी यहाँ पे अगर हमें 5 निकालना है तो हम 6/6 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 12/7। फिर नेक्स्ट हमारा रैशनल नंबर्स है 3/7, इसको हम 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा हमारा 18/7। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 12/7 है और 18/7 है, ठीक है। तो हम इस प्रोसेस से 12/42 एंड 18/42, ओके। तो अब हम इस प्रोसेस से हम लिख सकते हैं, दैट इज 13/42, 14/42, 15/42, 16/42 एंड 17/42। तो यहाँ पे हमें फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/7 एंड 3/7, तो यहाँ पे हमने 5 रैशनल नंबर्स निकाल लिया इस दो गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में। नेक्स्ट केस होता है जब यहाँ पे हमें बेस डिफरेंट हो, ठीक है। जब इस टाइप का कोई केस हो, जब बेस आपका डिफरेंट हो और तब अगर हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करना है तो इसके लिए हम इसको बेस को सेम करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दैट इज फर्स्ट रैशनल नंबर, दैट इज 1/7 है, इसको हम नेक्स्ट के बेस से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको हम बेस दोनों का इक्वल कर लेंगे। और 1/3 है, इसको हम 7/7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज 7/21। अब यहाँ पे देख रहे हैं दो जो रैशनल नंबर्स है इसका बेस सेम है, और तब हम सेम इस प्रोसेस से जहाँ पे हमें बेस सेम है तब हम इसको न्यूमरेटर को बढ़ते हुए क्रम में लिख करके हम उसका रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, यानी 3/7 और 3/21 एंड 7/21 के बीच में जो नेक्स्ट रैशनल नंबर फाइंड करना है तो हम लिख सकते हैं, दैट इज 4/21, 5/21 एंड 6/21। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर दो रैशनल नंबर्स दिया हो और उसके बीच में हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करना है तो ये चार केस जो है यही होता है। इसको आप अच्छे से देख लें, समझ लें और इसके बेस पे आपके बुक्स में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व कर लें। थैंक यू।